सो हेलो गेमर्स, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल फाइटर जी। और आज के एपिसोड में हम लोग थोड़ा सा ट्विस्टेड बैटल भी करने वाले हैं। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल वाला जो चीज़ है, मतलब सेल का जो आइकन दिखा रहा है, वहाँ पे जाके चेकआउट करना पड़ेगा। तो लग रहा था कि पिकलो या फिर वेजिटा को बचाने मिल सकता है, लेकिन ऐसी वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सेल वाला एनकाउंटर भी कर लेते हैं। सेल क्लोन हो सकता है या फिर दूसरा कोई और, वो तो हम लोग को पता चल ही जाएगा। लेकिन देखते हैं, पहले तो यार लेवल इंक्रीमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने पहले वाले एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सारे एपिसोड के प्लेलिस्ट का, ऐसे यार इस पूरे के पूरे सीरीज़ का प्लेलिस्ट का। तो वहाँ पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और सारे एपिसोड चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको पसंद आते तो लाइक करो, और चैनल पसंद होते तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सपोर्ट करो गाइज मेरे को। तो चलते हैं सीधा आज के ऑसम से एपिसोड की तरफ। वैसे फाइट तो चली रही है हमारी, लेकिन अभी देखा जाए तो थोड़ा सा डिफेंसिव ही खेलने लग गए ये लोग। पहले क्या था कि कुछ मोमेंट पे अटैकिंग चल रहा था, लेकिन अभी जो है डिफेंसिव मैनर ज़्यादा बढ़ चुका है इन लोगों का। और टी एन शिनहान का फाइट पैटर्न देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट हो चुकी है उसके बीच में। जो क्लोन टी एन शिनहान है ना, वो अलग अलग तरह से कॉम्बो अटैक मार के दिमाग का भजिया कर रहा है मेरे। तो अभी क्या करेंगे, अभी की बैटल हो चुकी है तो सीधा चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट मिशन की तरफ। जो मेन इंपॉर्टेंट मिशन आएगा या फिर कोई बड़ा सीनरी होगा तो उसके ऊपर हम लोग सीधा जंप मारेंगे, देखते हैं क्या होता है। सो हम लोग जाने वाले हैं सीधा सेल के साथ बैटल करने के लिए, जो बड़ी वाली बॉस बैटल होने वाली है। और यहाँ पे सिनेमैटिक भी ज़रूर प्ले होगा। चैप्टर 4 की शुरुआत हो चुकी है, एविल एक्सपोज द रेड रिमन आर्मी प्लॉट। और इसी तरह से हम लोग घुस चुके हैं बुलमा के शिप के अंदर। You there, my body. You're a pretty darn good fighter, you know that? Hope 18 and Marin are okay. They're back at Master Roshi's place. With this many baddies around, it could spell trouble. I wouldn't worry. I mean, 18's stronger than you, right? Yeah, that may be true, but you don't have to put it so bluntly. Oh yeah, sorry. Hey, Krillin. There's some kind of huge power out there. Feel it? Yeah, I did. It's different. It's not like the clones we've been fighting. I wonder, is it Cell? Could be. The energy is similar to Cell's, yes. But it feels a bit smaller, doesn't it? That's odd. We can sense Cell's energy, but not the person he's fighting with. An opponent with no energy? Hey. Do you think maybe Cell's fighting 16? Wait, I've got it. He's an android. You can't sense the energy of an android. We might be able to find a clue or two. I say we check it out. So, वहाँ पे सेल ने जोर का पादा, और यहाँ पे गोकू और क्लीन को उसका स्मेल आ चुका है, मतलब उसकी पावर सेंस हो चुकी है। तो अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं इस, ओ भाई ये वही वाला आइलैंड है जहाँ पे पिकलो और एंड्रॉइड 17 की बैटल हुई थी। मतलब सिमिलर आइलैंड है, वही वाला नहीं बोल सकता, सिमिलर आइलैंड है वो। तो आइलैंड कभी कभी तबाह हो चुका था वहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं सेल वाले सिनोरे के अंदर, मतलब थोड़ा सा सिनेमेटिक्स भी प्ले हो रहा है। ओ एंड्रॉइड 17 भी यहाँ पे है, सॉरी 18 भी यहाँ पे है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये कोई तो एक अलग ही चीज़ है। जैसे बात है क्रेलिन बढ़ चुके हैं, उसके वाइफ को मारा है सेल ने। डिस्ट्रक्टिव डेस्क के लोग क्रेलिन भाई, तेरा पावर लेवल देख ले सेल का, देख ले। अभी बैटल होगी, बैटल होनी चाहिए। वैसे सिनेमेटिक्स देख देख के पक चुका हो, नहीं अभी भी सिनेमेटिक्स है तो अभी सेल बढ़ाएगा। अच्छा गावत, इतना सेल बच कैसे गया और आया कैसे रिटर्न? Well, if it isn't Goku and it's annoying. स्टार्टिंग में ड्रैगन बॉल को बुला के, मतलब नेमिक्स के जो ड्रैगन बॉल्स हैं उनके मदद से इनको रिवाइव किया गया था, वो तो चीज मिल गया हमें। That's awesome. To tell the truth, I always did want another go at you. Glad to hear it, because I'm back from the dead and ready to bury you in your wretched offspring. Krillin. सेल का फेस टू फेस चैलेंज है गोकू को, लेकिन गोकू है चैलेंज करने वाला इसे। लेकिन क्रीलिन की वाइफ का बदला लेने के लिए क्रीलिन जो फाइट करेगा। और ये कृत्रिम कीड़ा कौन है साइड में? बंदी है, क्वेश्चन मार्क वाली बंदी है, अभी तक नाम नहीं बताया इन लोगों ने। She sacrificed herself to save me. Monster, Cell, you'll pay for this. Look at this spectacle she's putting on. So be it.
We'll just have to defeat them all right here, right now. Well, I gotta say, I am happy that I'm getting a chance to fight Goku. Sorry, stranger, but I'm gonna need you to look after 18 for me. Cause I'm gonna kick Cell's butt! Don't make me laugh. Defeat me. As I recall, your power doesn't even compare to that of your better half, 18. Back down, Krillin! This isn't the kind of guy you want to tangle with! What is a husband if he can't protect his wife? Someone's coming. Damn right! I don't care how strong you are! Touch my wife, you're going down! ठीक है, सीधा चैलेंज करेंगे अभी सेल को, और सेल का लेवल है 6 ऐसे तीनों को मिलके 7 हो रहे हैं। ठीक है, हरा सकते हैं हम लोग सेल को। इतना ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट बैटल नहीं होने वाला, लेकिन हम लोग ट्राई ज़रूर करेंगे कि मैं परफेक्ट मैचअप दे दूँ सेल के खिलाफ। लेकिन सेल एकदम मुर्दा घर जैसे खेल रहा है। कहीं ना कहीं यार मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो बैटल ट्यूटोरियल्स है उनको कंप्लीट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हम लोग पहले उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन जब भी बैटल शुरू हो जाती है ना, मेरे बॉडी के अंदर अलग सी चीज़ घुस जाती है और फिर मैं सारे बटन प्रेस करना शुरू कर देता हूँ, उसमें भूल जाता हूँ कि बैटल ट्यूटोरियल भी है। तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग ने मतलब सेल को डिफीट कर लिया, तो बैटल कंप्लीट हो चुकी है। और कौन बढ़ेगा? कोई भी नहीं बढ़ेगा, सबके लेवल वैसे ही रहने वाले। और अनदर सिनेमेटिक्स सहने के लिए मैं रेडी हूँ। मुझे पता है सेल हारने के बाद अनदर सिनेमेटिक्स होने वाला है, और इजीली हार गया सेल। स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट था इसके लिए, शायद सर इजीली हार गया, बाद में थोड़ा सा टक्कर जरूर देगा। और यहाँ पे सिनेमेटिक्स शुरू हो चुका है। तो सेल पे भी उस वेव्स का असर गिरा हुआ है, और ये कौन है? Soon, idiots will learn the error of your ways. Oh, you will learn. Then, no amount of regret will save you. What is he babbling about? Tien Shinhan और Krillin की टेक्निक सोलर फ्लेयर उस बंदे ने यूज की, और यहाँ से भाग चुका है वो। क्या होगा सेल तेरा? The bug ran off. ऑब्वियसली बात है, वो बंद ही तो है। He's gone. He got away. So, भाई आज का एपिसोड पूरा का पूरा चले जाने वाला है इसमें। It's okay. Don't worry. She's just unconscious. But we'd better get her looked at just to be on the safe side. Yeah, I guess so. Hey, thanks so much for standing up for 18. No, it's me who should be thanking you. You're quite strong, the both of you, really. Especially considering you managed to withstand the effects of the waves. Waves? Do you know what's going on? Oh, What happened to 18? Please, I need to know what happened. Clearly instructed her to stay indoors, if she'd only listened. Very well. I was a researcher, a once proud employee of the Red Ribbon, Army के employee, और इसको देखा है मैंने. Unfortunately, fuck. After those waves, जब ये game launch हुआ था, तब कुछ कांडा पिक्स इसके शेयर हो चुके थे इंटरनेट पे, तो मैंने देखा था। लेकिन स्पॉइलर अलर्ट नहीं देना चाहता, ये क्या चीज़ है मुझे बतानी, तो बाद में पता चली जाएगा। लेकिन ये काइंड ऑफ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस गेम का, जो बाद में हम लोग को पता चलने वाला है। तो फिलहाल जो अभी चल रहा है प्रेजेंट, उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। अब बोल रहे ये लोग तो डायलॉग बोल रहे, तू क्यों बकबक कर रहे? तो यार उन डायलॉग्स को सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है मुझे, क्योंकि रेड रिबन आर्मी की बातें चल रही है, और रेड रिबन आर्मी की सारी बातें आज तक बहुत बार सुन चुका हूँ मैं। और वही वाली चीज़ के 18 ने सैक्रिफाइस किया मेरे वजह, मेरे लिए, तो दुनिया उजाड़ी देने लिए ऐसी वाली चीज़ चाली। ठीक है भाई, सिनेमेटिक्स को क्लोज कर दो यार। एटलीस्ट आज पूरा एपिसोड हमारा सिनेमेटिक्स में जाने वाला है, पता आपको? Stop the army. Damn straight you will. We'll tear him to ribbons. So, oh yeah, Krillin, there were 18 guys party. Itne pakao jok maar maar. Showed us the way. I'm sorry, but I wouldn't be able to retrace my steps. I was so caught up in getting away. Great. Oh, by the way, we're gonna go see my friend Bulma. Wanna tag along? You see, the plan is. So, अभी 18 हमारी टीम में ज्वाइन हो सकती है कि नहीं, वो बड़ा क्वेश्चन है। अगर होगी तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वो मेजर चेंज हो सकता है टीम के अंदर फिलहाल के लिए। ओके, तो अभी रेड रिबन आर्मी का बेस भी ढूंढना है हम लोगों को,
और इसी के साथ आज का एपिसोड में रैपअप करने की सोच रहा हूँ। अगले एपिसोड के अंदर हम लोग किसी वॉरियर को बचाने के लिए ज़रूर जाने वाले हैं, तो कौन होगा वो वॉरियर वो आपको मैप के ऊपर दिखी गया रहेगा। पिकलो को बचाने जाने वाले नेक्स्ट एपिसोड में, तो बने रहेगा इस चैनल पे, बने रहेगा इस वीडियो सीरीज़ में ज़रूर, क्योंकि हम लोग पिकलो को बचाएंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, उसके साथ साथ आपको सजेस्ट करना चाहते हो कमेंट सेक्शन के अंदर डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको मेरा ये गेम प्लेज अच्छे लगते हैं या फिर प्रीवियस गेम प्लेज भी अच्छे लगते हैं, भाई सपोर्ट करो भाई को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते ही सीधा नेक्स्ट वीडियो की तरफ, लेकिन जो होगा नेक्स्ट एपिसोड में तो बने रहेगा ऑसम से ड्रैगन बॉल फाइटर जी के नेक्स्ट एपिसोड तक, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं पिकालो को बचाने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।